नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, जिसमें गया जिले के 2 सीट है, भोजपुर जिले की 1 और बक्सर का 1। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। इस बीच एनडीए की ओर से चारों सीट पर उम्मीदवार क्लियर हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, एनडीए अलायंस से विधानसभा के उपचुनाव में चारों सीट पर उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। 2 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ रही है उपचुनाव का। देखिए, जो 2 सीटें हैं बीजेपी के कोटे की, उसमें तरारी और रामगढ़ सीट है। रामगढ़ सीट से अशोक पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तरारी और रामगढ़ 2 सीट बीजेपी के खाते में गई है। तो अशोक पांडे पूर्व विधायक हैं और इस बार यहां से जो है वो चुनाव फिर से लड़ने जा रहे हैं उपचुनाव में। तरारी से विशाल प्रताप सिंह को टिकट मिला है। देखिए, ये सुनील पांडे के बेटे हैं, बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे हैं ये विशाल प्रताप, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उपचुनाव बीजेपी के टिकट पर तरारी विधानसभा सीट से। मनोरमा देवी, देखिए, जेडीयू से चुनाव लड़ने जा रही है, पूर्व एमएलसी है जेडीयू की और कद्दावर नेत्री के रूप में, नीतीश कुमार के करीबी नेत्री के रूप में जानी जाती रही है। और मनोरमा देवी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर बेलागंज विधानसभा सीट से। जी हां, तो बेलागंज विधानसभा सीट से मनोरमा देवी चुनाव लड़ेगी और जेडीयू ने फाइनल कर दिया है। लेकिन बचा इमामगंज। देखिए, इमामगंज से जीतन राम मांझी चुनाव लड़े, अब पार्लियामेंट के मेंबर हो चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। तो जीतन राम मांझी की बहू, मतलब कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी की पत्नी दीपा मांझी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, दीपा मांझी चुनाव लड़ेगी किस दल से? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर से। तो ये एनडीए के 4 कैंडिडेट हैं, दीपा मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के टिकट से इमामगंज सीट से, मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी बेलागंज विधानसभा सीट से। आपको मालूम है कि बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव जो हैं वो संसद के सदस्य बन चुके हैं। तरारी से, देखिए, तरारी से बीजेपी के विशाल प्रताप चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने तो लिस्ट जारी कर दी है। ये जो है वो सुनील पांडे के बेटे हैं, बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं और सुदामा प्रसाद जो तरारी के विधायक थे वो पार्लियामेंट के मेंबर हो चुके हैं, इस वजह से यहां पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह अब जो है वो संसद के सदस्य हैं, तो यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो अशोक पांडे को बीजेपी ने टिकट थमाया है। बहरहाल, महागठबंधन का अब इंतजार है, महागठबंधन की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैंडिडेट के नाम जारी किए जाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।